नमस्कार दोस्तों, हर साल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति पर हर घर में खिचड़ी खाई जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों खाई जाती है? अगर नहीं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण और इसके फायदे, तो आइए जानते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खिचड़ी में प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों को ग्रहों का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खिचड़ी खाने से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। यही वजह है कि खिचड़ी में कई तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि काली दाल, मटर, गोभी और चावल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक खिचड़ी का मुख्य तत्व चावल और जल चंद्रमा के प्रतीक होता है। इस दिन खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है, तो वहीं हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से और हरी सब्जियों का संबंध बुध से माना जाता है। वहीं खिचड़ी में पड़ने वाले घी का संबंध सूर्य देव से होता है। इसके अलावा घी से शुक्र व मंगल भी प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने से आरोग्य में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन खिचड़ी के सेवन से कुंडली के ग्रह शांत होते हैं। ये भी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से ग्रहों की स्थिति तो मजबूत होती ही है और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां कम आती हैं। कई जगहों पर खिचड़ी से भगवान को भोग लगाया जाता है और भंडारे का आयोजन करके लोगों को प्रसाद स्वरूप में बांटा जाता है। खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करके गरीबों को दाल और चावल भी दान करते हैं। मान्यता है कि खिलजी से युद्ध लड़ते हुए नाथ योगी बहुत कमजोर हो गए और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाकर पौष्टिक खिचड़ी तैयार करने का आदेश दिया। यही खिचड़ी खाकर नाथ योगियों को तुरंत ऊर्जा मिली और उनकी सेहत में सुधार हुआ। तभी से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी बनाने की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। यही नहीं, मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के पास खिचड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले की शुरुआत बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाकर होती है। इसके बाद प्रसाद स्वरूप पूरे मेले में खिचड़ी का वितरण भी किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने के कितने फायदे हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करते हैं तो जरूर करें। इसके साथ आपके शहर में मकर संक्रांति पर खिचड़ी के अलावा कौन कौन से रिवाज मनाए जाते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।